पहली मसल की बात करें तो स्केलेटल मसल्स जो है उनमें कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन को देखा गया। अगर आप इन मसल्स की साइज की बात करें तो ये काफी लार्ज होती है, 1 से लेके 40 मिलीमीटर इन लेंथ होती है एंड 10 से लेके 40 माइक्रोमीटर इनका विड्थ होता है। इनमें एक ही अगर आप मसल्स में बात करें तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब 100 न्यूक्लियाई भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है। मसल सेल्स में कुछ फाइबर होते हैं, इनको कहा जाता है मायोफाइबर। तो मायोफाइबर में भी काफी आपकी स्पेशलाइज्ड यूनिट या स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड सारकोमेर। क्योंकि मसल्स भी कैसा है, एक बंडल के फॉर्म में होता है। तो कैसे बॉडी आपको दिखाऊंगी। अब इसकी स्मॉलेस्ट सब यूनिट है जिसको कहा जाता है सारकोमियर। अगर आप उस सारकोमियर की लेंथ के बारे में बात करेंगे तो ये 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती है इन रेस्टिंग फेज, लेकिन जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो ये कैसी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। कितनी? 40%, मतलब 2 माइक्रोमीटर टोटल लॉन्ग लेंथ है इन रेस्टिंग फेज, लेकिन अगर आप इसका कॉन्ट्रेक्शन देखेंगे तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन ये बहुत शॉर्ट हो जाती है, मतलब 70% पार्ट जो है वो इसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पर 2 टाइप के फिलामेंट है, एक तो थिक फिलामेंट मसल्स कॉन्ट्रेक्शन जो आपका मायोसिन सेकेंड होगा, एंड थिन फिलामेंट जो होगा दैट इज आपका एक्टिन, और इसके साथ कुछ इसके एसोसिएटेड प्रोटीन भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखिए, जैसे अगर आप मसल्स की बात करें तो मसल क्या है, बंडल ऑफ मसल फाइबर। जब आप एक पूरे मसल्स की बात करते हैं और उसको जब आप आइसोलेट करेंगे तो देखिएगी कि उसमें काफी सारे मसल्स फाइबर हैं, और ये मसल्स फाइबर जब बंडल बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ये सारे आपके मसल्स फाइबर हैं, जब ये आपस में बंडल बनाते हैं तो आपका कंप्लीट मसल्स बनता है। और हर एक मसल्स फाइबर के पास भी एक छोटा फाइबर होता है जिसको कहा जाता है मायोफाइबर। तो मसल जो है ना, फाइबर 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 कुछ ऐसा बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो क्या है, अगर आप एक मायोफाइबर को लेंगे तो उसका एक मायोफाइबर भी आपका ग्रुप ऑफ मायोफाइब्रिल है। एक होता है फाइबर, एक होता है मायोफाइब्रिल। तो फाइबर मसल्स फाइबर में काफी सारे ग्रुप ऑफ मायोफाइब्रिल प्रेजेंट होते हैं, और इस मायोफाइब्रिल में ही जो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज कॉल्ड सारकोमियर। और जब आप उस सारकोमियर को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से उसमें आपको एक्टिन एंड मायोसिन के प्रोटीन या फिर बंडल मिलती है। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज कॉल्ड सारकोमियर, और उसी सारकोमियर का ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपका क्या है, एक्टिन फिलामेंट है और आपका मायोसिन है। तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे के सारे क्या है, आपके एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट ये जो रेड में है और ये जो आपको ब्लू में बंडल दिख रहा है दैट इज मायोसिन। और मायोसिन जो है वो आपका थिक फिलामेंट होता है, एक्टिन जो है वो आपका थिन फिलामेंट होता है। यहाँ पर कुछ बैंड है दैट इज कॉल्ड आई बैंड। तो ये जो आपका रीजन है जहां पर केवल और केवल एक्टिन फिलामेंट आपको दिख रहे होंगे, एक ऐसा रीजन जहां पर केवल और केवल एक्टिन फिलामेंट आपको दिख रहे होंगे ये कहलाता है आपका आई बैंड। दूसरा होता है आपका ए बैंड। ए बैंड में आपके एक्टिन एंड मायोसिन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि केवल जब हम एक्टिन फिलामेंट, एक ऐसा रीजन जहां पर केवल एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होंगे वो कहलाता है हमारा आई बैंड, जहां पर एक्टिन एंड मायोसिन दोनों प्रेजेंट होंगे वो कहलाएगा ए बैंड। अब बीच में ये वही मायोसिन की कहानी आ गई है, बीच में ये स्लाइड, चलो कोई बात नहीं, अब तो आप समझ भी गए हैं। तो मायोसिन जो है वो बंडल के फॉर्म में रहेगा। अगर जब वो बंडल के फॉर्म में आता है कुछ ऐसा, ये एक इंडिविजुअल आपके पास चेन है, तो जैसे ये बंडल बनाते हैं तो वो बाइपोलर फिलामेंट कहलाता है, बाइपोलर फिलामेंट, क्योंकि दोनों साइड इसके मोटर एंड होते हैं हेड टू टेल। ये डायग्राम कहाँ गया, चलिए ठीक है, ठीक। तो आई बैंड आप समझ गए, आई बैंड कहाँ पे, जहां पे आपका केवल एक्टिन फिलामेंट होगा। ए बैंड कौन सा होगा, जहां एक्टिन एंड मायोसिन दोनों होंगे। इसके साथ कुछ डिस्क होता है जिसको कहा जाता है जेड डिस्क,
क्योंकि ये कुछ जेड शेप में आपको दिख रही होगी। ये एक यहाँ पे एम लाइन होती है, ये ऐसी लाइन होती है जहां केवल और केवल आपका मायोसिन रीजन आपको दिख रहा है। तो ये कुछ जब भी आप एक सार्कोमियर को लेंगे, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट को लेंगे, तो कुछ बैंड होते हैं, कुछ रीजन होते हैं, तो ये वो बैंड और रीजन कहलाते हैं। अब देखिए मसल्स कॉन्ट्रेक्शन की जब बात करते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन होती है, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रेक्शन ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एक्टिन और मायोसिन में आपने एटीपी दे दी कॉन्ट्रेक्शन हो गया, नहीं, बहुत से प्रोटीन यहाँ पर काम करती है। तो एक प्रोटीन कौन सा है, नेब्यूलिन। कल हमने नेब्यूलिन के बारे में पढ़ा था, जरा फटाफट बता दीजिए नेब्यूलिन क्या था। तो नेब्यूलिन मैं ही पहले बता देती हूँ, एक आपका स्टेबलाइज करने वाला जो एक्टिन फिलामेंट था ये पूरा, और यहाँ पर इसको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ प्रोटीन था, जो कौन से प्रोटीन थे, एक तो नेब्यूलिन था और एक था आपका थाइमोसिन। तो ये दोनों के दोनों क्या कर रहे थे, स्टेबलाइज करा रहे थे। तो नेब्यूलिन आपका एक जायंट प्रोटीन होता है, बड़ा प्रोटीन होता है, ये एक्सटेंड होता है आपके पूरे के पूरे थिन एक्टिन फिलामेंट की तरफ। यहाँ पर क्या एक जेड डिस्क होती है जहां पर आपका ट्रोपोमोड्यूलिन होता है, और ये जो आपका नेब्यूलिन होता है, अभी स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगी कि कैसे पूरा आपका असेंबल होता है, कैसे आपका एक्टिन फिलामेंट जो है उसको स्टेबलाइज करता है। एक और प्रोटीन है टाइटिन, ये भी आपका एक लार्ज प्रोटीन है, और ये तो इतना लार्ज है कि ये पूरे के पूरे फिलामेंट को, मतलब एक्टिन और साथ ही साथ मिडिल में जो थिक फिलामेंट है मतलब मायोसिन, उन सबको एकदम रैप किए रहता है, हाईली स्टेबलाइज करता है। ये एक इलास्टिक मॉलिक्यूल होता है जो होल्ड किए रहता है थिक फिलामेंट को मिडिल ऑफ द सार्कोमियर। इस स्ट्रक्चर में आप अच्छे से समझेंगे, ये क्या है आपका एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट में ही प्रेजेंट होता है आपका नेब्यूलिन जो स्टेबलाइज करेगा, ये आपका पूरा जेड डिस्क है। और साथ ही साथ आपको ये जो स्पेरिकल शेप्ड पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका दूसरा प्रोटीन है टाइटिन, जो एक इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कराता है। तो ये पूरा कैसा, ये देखिए जेड डिस्क से अटैच्ड है दूसरी जेड डिस्क तक। तो अगर आप मायोसिन को स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे तो वो टाइटिन करता है, वहीं पर एक्टिन फिलामेंट को स्टेबलाइज करने वाला नेब्यूलिन। तो ये दो प्रोटीन है जो आपके दोनों एक्टिन और मायोसिन को स्टेबलाइज करते हैं, नेब्यूलिन आपका एक्टिन को, और ये जो टाइटिन है तो किस तरीके से जेड डिस्क से शुरू होगा और पूरा जेड दूसरी जेड डिस्क तक कनेक्टेड होगा, तो ये हाईली स्टेबलाइज करता है। क्योंकि मायोसिन कैसा है, एक थिक फिलामेंट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू एक्टिन फिलामेंट, तो हमें इसको स्टेबलाइज करने के लिए बिल्कुल दोनों सिरों पे बांधना होगा, ये काम करता है। चलिए अब मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में, जैसे कुछ कुछ अभी बच्चे कह रहे थे कि कैसे कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो वो ही मैं आप दिखा दूंगी, ये तो नॉर्मल इमेज है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक सार्कोमियर है, इसके पास आपके दोनों एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये हमारी क्या है जेड डिस्क है, जेड डिस्क बीच का जो है एम लाइन होगा जो केवल और केवल मायोसिन को रिप्रेजेंट करेगा, आई लाइन जो होगी ये आपकी आई बैंड होगा, आई बैंड जो है वो काइको करता है आपके एक्टिन को, वहीं पर ए बैंड होगा जहां पर एक्टिन एंड मायोसिन दोनों रीजन प्रेजेंट होंगे। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये रिलैक्स्ड फॉर्म में है, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा, इसीलिए अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जो मायोसिन है उनके सारे जो हेड है वो कुछ इस तरीके से एकदम रिलैक्स्ड है, एक ही डायरेक्शन में है। कैसे एक ही डायरेक्शन में, कि आपको यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर या फिर हेड जो है वो एक्टिवेटेड या कर्व्ड नहीं दिख रहे हैं। दूसरा स्ट्रक्चर जो है, जैसे ही आपने एटीपी दी, कैल्शियम दिया, तो मसल्स ने कॉन्ट्रेक्शन करना किया शुरू, जैसे ही मसल्स ने कॉन्ट्रेक्शन करना शुरू किया तो ये पॉजिटिव एंड है आपके एफ फिलामेंट का, ये आपका पॉजिटिव एंड है एफ फिलामेंट का, ये नेगेटिव एंड है आपका एफ फिलामेंट का, ये भी आपका नेगेटिव एंड है एफ फिलामेंट का। तो अगर आप प्रीवियस स्ट्रक्चर देखेंगे तो डिस्टेंस कुछ इतना है, जैसे ही आपने एटीपी दिया, कैल्शियम दिया, कॉन्ट्रेक्शन बढ़ा, जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन बढ़ा तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये क्या करते हैं, ये मूव करते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड
और साथ ही साथ खींच के लेके आती है एक्टिन को पास में। मतलब अगर कोई एक्टिन यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ प्रेजेंट है, ये पूरा का पूरा आपका मायोसिन है, तो मायोसिन के जो हेड है कुछ ऐसे यहाँ पर बाइंड करेंगे, ऐसे बाइंड करेंगे लाइक दैट। और ये क्या है, पॉजिटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड है फिलामेंट। कौन से फिलामेंट का? आपके एफ फिलामेंट का। ये नेगेटिव एंड है, तो ये करेंगे क्या कि खुद जो है वो मूव करते जाएंगे आगे की तरफ। ऐसा कुछ होगा, ये आगे की तरफ ऐसे खींच के ला, ऐसे फिर खींच के ला, ऐसे है फिर खींच के। तो क्या हो रहा है कि खुद पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन फिलामेंट का ऑब्वियस सी बात है, अगर जैसे ये कोई आप ले लीजिए रूट है, ठीक है, तो ये रूट क्या है, पॉजिटिव है, और ये वाला अगर मैं नेगेटिव मान लू, तो अगर मैं चल रही हूँ तो मैं पॉजिटिव की तरफ जा रही हूँ लेकिन नेगेटिव को पीछे छोड़ते जा रही हूँ, कुछ ऐसा ऐसा। ये चल रही हूँ पीछे, तो चल रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव एंड जो है वो और दूर भागता जाएगा, और दूर भागता जाएगा। जैसे ही मैं पॉजिटिव की तरफ जाऊंगी तो नेगेटिव जो है वो दूर भागता जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर होता है, ये जो हेड है ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और आपका जो एक्टिन फिलामेंट है वो स्लाइड करता जाएगा, ऐसे दोनों तरीके से स्लाइड, ये आगे ये ऐसे करके आपका पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ कुछ मूवमेंट होता है। तो पॉजिटिव की तरफ मायोसिन का, लेकिन अगर आप दोनों एक्टिन की बात करें तो वो आपस में क्लोज आती है और ऐसे ही आपका एक्टिन फिलामेंट जो है और मायोसिन मूवमेंट करता है। तो कैसे एक्टिन की स्लाइडिंग होती है वो समझ गए, इसके लिए एक बड़ी अच्छी वीडियो है वो भी अभी बता दी जाएगी, अभी तो शुरुआत है। तो ये हमने बस अभी बेसिक पढ़ा है, जो चीज मैंने आपको बताई स्केलेटल मसल्स में जैसे कुछ प्रोटीन होते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा कि कैल्शियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ होता क्या है कि जो कैल्शियम का लेबल होता है ना वो साइटोप्लाज्म में मेंटेन किया जाता है। तो अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म में कैल्शियम का लेवल बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? लेवल बहुत ही लो होता है। क्यों लो होता है? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर हम नॉर्मल की बात करें, क्योंकि हम मसल सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, यहाँ पर आपका कैल्शियम जो है वो स्टोर करते हैं। साइटोप्लाज्म से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम लेके आएगा वो कौन होगा? कैल्शियम एटीपीएस, जो आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल था। कुछ याद आया है क्या? चलिए अगर याद आया है अच्छी बात है, नहीं आया है तो जाके रिवाइज करिएगा कि साइटोप्लाज्म में कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जो कैल्शियम एटीपीएस होता है वो मेंटेन करता है आपके कैल्शियम के कॉन्सेंट्रेशन को, और साइटोप्लाज्म से कहाँ भेज रहा था? सार्कोप्लाज्मिक या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, एक प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन जो कैसा एक्टिन को पूरे तरीके से रैप किए रहता है, इसीलिए इसे रोप लाइक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल कहा गया है। इसकी लेंथ जो है वो 40 नैनोमीटर तक होती है। ये बाइंड करता है 7 एक्टिन सब यूनिट इन एक्टिन फिलामेंट। अब होता क्या है कि यहाँ पर आपका जो ट्रोपोमायोसिन होता है, यहाँ पर कुछ कुछ मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये जो ट्रोपोमायोसिन है पूरा ये एफ फिलामेंट होगा तो इसी के अराउंड कुछ ऐसे बाइंड किए रहता है। इसके पास कुछ कुछ आपके छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जिनको कहा जाता है ट्रोपोनिन, जो है TN, और TM मतलब क्या है? ट्रोपोमायसिन। तो ट्रोपोमायसिन एक आपका वेल फेड लाइक या रोप लाइक प्रोटीन है, उस पर कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोनिन। अब होता क्या है, ट्रोपोनिन की भी तीन, अगर मैं एक ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स को निकालू तो उसके पास तीन डोमेन होते हैं, TNT जिसे ट्रोपोनिन टी डोमेन कहा जाता है, TNI ट्रोपोनिन आई डोमेन, एंड TNC ट्रोपोनिन सी डोमेन, और ये जो सी है वो कैल्शियम को डिलीट करता है। तो जो ट्रोपोनिन सी है उससे बाइंड करता है आपका कैल्शियम, और साथ ही साथ ये जो आपका टी है एंड आई है ये स्टेबलाइज कराता है ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन को, और ट्रोपोनिन जो आई होता है एक स्पेसिफिक फंक्शन ही है, इनिबिट करता है एटीपीएज एक्टिविटी को, क्योंकि जब हमें रेगुलेशन कराना रहेगा, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन नहीं कराना है, उसको रिलैक्स्ड फॉर्म में रखना है, तब जाके आपका ट्रोपोनिन आई जो है वो काम करेगा।
अगर आप एब्सेंस की बात करें, कैल्शियम अगर एब्सेंट होगा तो ऑब्वियसली बात है आपका ट्रोपोनिन जो है वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा। जब एक्टिवेट नहीं होगा तो ट्रोपोमाइसिन भी एक्टिवेट नहीं होगा और मसल्स कॉन्ट्रेक्शन भी एक्टिवेट नहीं हो पाता। तो कैल्शियम यहाँ पर बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ये चीज आप याद रखिए। तो इन द एब्सेंस ऑफ कैल्शियम ब्लॉक होगा आपका मायोसिन इंटरेक्शन विद एफ फिलामेंट। कैसे आगे हम पढ़ेंगे। अब बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम टू द ट्रोपोनिन सी, यहाँ पर क्या होता है कि एटलीस्ट कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 μM। तो ये क्या करेगा कि ये बाइंड करेगा आपके ट्रोपोनिन पे और फिर उसके बाद ट्रोपोमायोसिन जो है वो एक्टिन बाइंडिंग साइट को, मायोसिन बाइंडिंग साइट को एक्सपोज कर देगा ऑन एक्टिन और आपके जो मायोसिन है वो अटैच हो जाते हैं। ये आप डायग्राम के थ्रू थोड़ा और अच्छे से समझ लेंगे। तो क्या है, ये पूरा का पूरा आपका एक्टिन प्रोटीन है, कुछ ऐसे एक्टिन आपकी पूरी एक चेन प्रेजेंट होगी। अब अगर आप इस एक्टिन की बात करें तो यहाँ पर आपका एक स्टेबलाइजिंग प्रोटीन ट्रोपोमायसिन तो प्रेजेंट होगा ही, साथ ही साथ कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिनको कहा जाता है ट्रोपोनिन। ये जो ट्रोपोनिन है इनके पास 3 डोमेन है, TNI, TNC एंड TNT। इसमें से जो TNC है ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है TNC। अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा आपका कैसा इनएक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। एक्टिवेशन होना है तो कैसे होना चाहिए, कैल्शियम को आना चाहिए। जब कैल्शियम आएगा तब जाके आपका एक्टिवेशन होगा। और ये जो साइड है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मायोसिन बाइंडिंग साइड, जिस पर कब्जा करके बैठा है ट्रोपोमायोसिन। क्योंकि कैसी है, अभी मसल्स रिलैक्स स्टेज में है, अभी हमें मायोसिन को नहीं बाइंड होने देना है। तो काम क्या, जो ट्रोपोमायोसिन है वो सिंपली एक्टिन की साइड पे बाइंड होके बैठा रहेगा। अब जैसे ही कैल्शियम आएगा, तो कैल्शियम आया तो कैल्शियम ने सबसे पहले कहाँ बाइंड करा, TNC के ऊपर, जिसे कहा जाता है ट्रोपोनिन सी या ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग साइट। ये जैसे ही बाइंड करेगा कन्फर्मेशन चेंज होगा और आपका जो ट्रोपोमायोसिन था ये साइड से अलग हो गया, डिटैच हो गया और अब इजीली आपका मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिन की सब यूनिट के साथ बाइंड कर देगा। तो क्या होगा, कुछ नहीं है, बस सिंपली मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है इनिशियली आपकी एक्टिन फिलामेंट को क्या करे रहती है, हाइड करके रहती है। एक्टिन फिलामेंट पर मायोसिन के हेड की जो आपकी बाइंडिंग साइट रहेगी वहां पर ट्रोपोमायोसिन निविट करके रहेगा। जैसे ही कैल्शियम आएगा, कैल्शियम बाइंड करेगा आपकी ट्रोपोनिन में TNC सब यूनिट पे, जैसे ये बाइंड करेगा तो ऑटोमेटिकली कन्फर्मेशन चेंज होगा और जो बाइंडिंग साइट है मायोसिन हेड की वो एक्सपोज हो जाएगी, मायोसिन जो है बाइंड कर लेगा। तो ये एक मैकेनिज्म है ट्रोपोनिन का, तो कैसे जो है ट्रोपोनिन कैल्शियम से बाइंड करके एक्सपोज करता है। अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो ये डायग्राम भी उसी चीज को कह रहा है। कैसे, अब थोड़ा सा हम और इनलार्ज करके देख लेते हैं। ये पूरा का पूरा आपका क्या है, फिलामेंट है। कौन सा फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होगा। ट्रोपोमायोसिन क्या है, ट्रोपोमायोसिन स्टेबलाइज करेगा स्ट्रक्चर के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे ट्रोपोनिन के, जिनके पास 3 साइड हैं, TNI, TNC एंड TNT। कैल्शियम जैसे ही आप देंगे तो ये कहाँ बाइंड होगा, ये बाइंड हुआ है आपका TNC साइड पे, और जैसे ही ये TNC साइड पे बाइंड होगा तो पूरा का पूरा जो आपका ट्रोपोमायोसिन है उसको कैसे कर देगा, खींच देगा। तो जैसे ही इसने खींचा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अब हेड जो है मायोसिन बाइंडिंग हेड जो आपके एक्टिन फिलामेंट पे थे वो सारे के सारे एक्सपोज हो गए। अब जैसे ही ये एक्सपोज होंगे तो मायोसिन का हेड इजीली इन पे बाइंड कर जाएगा और मसल्स कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा। तो ये डायग्राम इसीलिए बता रही हूँ कि कैसे कैल्शियम जो है ना एज अ हीरो काम कर रहा है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो ट्रोपोनिन सी की साइड पे कौन बाइंड करेगा, जब बाइंडिंग ही नहीं होगी तो मायोसिन को, ट्रोपोमायोसिन को कैसे खींचा जाएगा। तो कुछ नहीं है, आपका पूरा का पूरा फिलामेंट है और जो आपकी साइड है मायोसिन बाइंडिंग साइड वो अभी हाइड की गई है ट्रोपोमायोसिन से। जैसे ही कैल्शियम आएगा
पूरा का पूरा ट्रोपोमायोसिन को खींच दिया जाएगा, साइड एक्सपोज हो जाएंगी। अब मायोसिन आराम से आइए, बाइंड करिए एंड कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन हो जाएगा। चलिए अब ये देखिए, रिलैक्सेशन की अगर मैं आपसे बात करूं, अगर देखिए ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछते, क्वेश्चन पूछते हैं डायग्राम के थ्रू। तो कई बार जैसे अगर आपके पास ऐसा कोई फ्लो चार्ट आए जिसमें लिखा है एक्टिन है, ट्रोपोमाइसिन है एंड ट्रोपोनिन है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक्टिन है, ट्रोपोमाइसिन है एंड ट्रोपोनिन है, लेकिन कैल्शियम जो है वो एब्सेंट है, मैंने कैल्शियम नहीं दिया, तो क्या मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होगा? तो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा, तो जो मसल्स है वो रिलैक्स रहेगी। वहीं पर अब मैंने क्या किया, एक्टिन भी दिया, ट्रोपोमाइसिन भी दिया और साथ ही साथ ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम भी दे दिया। ये देखिए, तो जब कैल्शियम भी दिया तो ये जो है ये कॉन्ट्रेक्शन अब कर लेगा। क्यों कॉन्ट्रेक्शन कर लेगा? क्योंकि कैल्शियम है, ट्रोपोनिन की जो आपकी सी साइड है वहां पर बाइंड कर लेगा, ट्रोपोमायोसिन को हटा देगा, हेड जो है मायोसिन के लिए वो एक्सपोज हो जाएंगे। अब मायोसिन जो है वो इजीली क्या करेगा, बाइंड करेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मतलब ये चीज आपको समझ में आ गई। अब कोई क्वेश्चन भी आ जाए कि एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोनिन है, कैल्शियम नहीं है, तो मसल्स रिलैक्स्ड होगी। वहीं पर अगर कहूं एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोनिन है, कैल्शियम भी है, तो मसल्स कैसी होगी, कॉन्ट्रेक्शन की तरह जाएगी। अब ये देखिए, ये डायग्राम है, बहुत से बच्चे समराइज के लिए कर रहे थे, जरा देख लीजिए, सब दिखाया जाएगा। अच्छा देखिए, ये देखिए, अब ये कुछ इस तरीके से बाइंड होता है। ये क्या है आपका, ये आपका पूरा का पूरा थिक फिलामेंट है जिसको कहा गया है मायोसिन। ये क्या है आपका, ये पूरा का पूरा आपका थिन फिलामेंट है। और ये जो आपको रोप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये रोप क्या है आपका, थायमोसिन, आपका थायमोसिन। उसके साथ साथ ये जो आपको यहाँ छोटे छोटे मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ये है आपके ट्रोपोनिन। तो सबसे पहले कैल्शियम आया, कैल्शियम ने ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करा और थायमोसिन जो है वो एक साइड हो गए, हेड एक्सपोज हो गया, बाइंडिंग साइड, मायोसिन ने बाइंड कर लिया। और देखिए कुछ इस तरीके से खींच देता है फिलामेंट ऐसे, तो खुद चला जाता है पॉजिटिव की तरफ और ये जो फिलामेंट है ये अपनी नेगेटिव साइड की तरफ आ रहा है। फिर से जरा देखिए मायोसिन, कैल्शियम आया, बाइंड करा ट्रोपोनिन से, जैसे ही बाइंड हुई थायमोसिन ने हेड को एक्सपोज कर दिया, मायोसिन बाइंडिंग हेड। अब बाइंडिंग हेड जो है मायोसिन के, वहां से मायोसिन ने बाइंड करा और पूरा का पूरा आपका फिलामेंट जो है उसको खींच दिया। वैसे करके एक एक स्टेप बाय स्टेप ये मूवमेंट करता रहता है, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होता रहता है। ठीक है, तो अगर ये चीज समझ में आ गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रिवीजन के फॉर्म में, कुछ बच्चे कह रहे थे रिवीजन करा दीजिए, तो बिल्कुल अब हम पूरा का पूरा रिवीजन कर लेते हैं स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रेक्शन का। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक सिग्नल आएगा। अब ये सिग्नल कुछ भी हो सकता है, कैसा सिग्नल आएगा, जैसे मान के चलिए आप खाना बना रहे थे, आप जैसे ही खाना बना रहे थे तो कोई गर्म तवे पे जो भी था आपने अपनी उंगली टच कर ली, हाथ रख दिया, तो एकदम से कैसा हुआ कि आपको जलन हुई, और जैसे ही जलन हुई तो आपने अपने हाथ को जो है वो बाहर की तरफ खींचा, अपनी तरफ पुल किया, तो यहाँ पर आपको एक सिग्नल मिला। सिग्नल कैसा मिला आपको, मैकेनिकल डैमेज वाला सिग्नल मिला। तो जैसे ही सिग्नल मिला मतलब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे काम करती है, तो एक्शन पोटेंशियल जैसे ही काम करेगा तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा आपका क्या है, सार्कोमियर है। क्या है आपका, सार्कोमियर है। ठीक है, तो जैसे मसल्स कॉन्ट्रेक्शन का मैं बता रही हूँ, आप अपने हाथ का जो है कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, तो जैसे ही सिग्नल मिला, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो सबसे पहले
सार्कोमियर में आप पोजीशन देख लीजिए, कुछ यहाँ पर ट्रांसवर्स टिब्यूल होते हैं, साथ ही साथ कैल्शियम रिलीजिंग चैनल एंड वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल। ये आपको इमेज थोड़ा दिख नहीं रहा होगा रिवीजन के पर्पस में, परेशान मत होना, जब आपके पास पीडीएफ आएगा तो थोड़ा समझ में आएगा। तो कुछ नहीं है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल सबसे पहले होंगे एक्टिवेट। जैसे ही एक्टिवेट होंगे ना, तो जो आपका कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाएगा और जो कैल्शियम है वो आ जाता है आपके कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। तो ये पूरा का पूरा रिलैक्स्ड स्टेट है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ साइटोप्लाज्म आप देख रहे होंगे, कैल्शियम साइटोप्लाज्म में ना होके आपके कहाँ पे है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जब कैल्शियम ही आपका साइटोप्लाज्म में नहीं है तो पूरा का पूरा रिलैक्स्ड रहेगा, आपके मायोसिन भी जो है वो रिलैक्स स्टेज में है, ट्रोपोनिन जो है ट्रोपोमायोसिन वो आपका पूरा क्या बाइंडिंग साइट को ढक के रखे हुए है, प्रोटेक्ट करके रखे हुए है। दूसरा जो डायग्राम है वो कॉन्ट्रेक्शन को बता रहा है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, सबसे पहले एक्टिवेट होंगे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल। जैसे ही ये आपके एक्टिवेट होंगे तो ये फर्दर एक्टिवेट करेंगे आपके कैल्शियम चैनल को, और कैल्शियम जो है वो रिलीज होके ये देखिए साइटोप्लाज्म में आ गया। अब जैसे ही कैल्शियम आपका साइटोप्लाज्म में आया तो सबसे पहले कैल्शियम कहाँ बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन पे बाइंड करेगा। तो बिल्कुल कैल्शियम है, कैल्शियम ने बाइंड कर लिया आपके ट्रोपोनिन में, एंड ट्रोपोनिन जो है जैसे ही बाइंड करेगा ट्रोपोनिन में भी TNC पे ये बाइंड करेगा। जैसे ही ये बाइंड करेगा तो थायमोसिन जो है आपका उसको क्या किया जाएगा, उसको सीधा डीअटैच्ड किया जाएगा आपके मायोसिन के हेड से। तो ट्रोपोमायोसिन जो है आपका ट्रोपोमायोसिन, इस ट्रोपोमायोसिन को आप कैसे करेंगे, हटा देंगे और आपका जो हेड है वो पूरा आपको प्रॉपर दिखेगा और मायोसिन जो है अब इजीली यहाँ पे हेड अटैच्ड हो जाएगा और मसल्स कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है। तो ये सारा का सारा आपका कहता है कैल्शियम का है कि कैल्शियम ट्रोपोनिन में सबसे पहले बाइंड करेगा और उसके बाद आपका ट्रोपोमायोसिन जो है उसको हटा दिया जाएगा कहाँ से, एक्टिन पे जो आपकी मायोसिन हेड है जहाँ पे वो प्रेजेंट है, जिससे आपके एक्टिन पर प्रेजेंट होने वाले मायोसिन हेड इजीली दिखने लगे और फिर जाके आपका मायोसिन वहां पर बाइंड कर लेता है। तो जैसे ही बाइंड करेगा तो फिर ये आपके कॉन्ट्रेक्शन की मैकेनिज्म शुरू हो जाएगी। ये मायोसिन का हेड है जो आपके एक्टिन से सीधा अटैच्ड है, एटीपी आएगी, डिटैच हो जाएगा हेड, फिर एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा। जैसे एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा ये दूसरी साइड पे जाके अटैच्ड हो जाएगा, जब फिर कंप्लीटली आपका एडीपी रिलीज हो जाएगा, एटीपी आएगा, तो फिर हेड जो है वो रिलीज हो जाता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है कि कैसे पहले कैल्शियम काम करेगा और फिर आपका कॉन्ट्रेक्शन होता है। एक्चुअली थायमोसिन नहीं था, वो ट्रोपोमायोसिन, मैं उसको पढ़ रही थी बाय मिस्टेक, मैंने उसको थायमोसिन कह दिया, तो वो थायमोसिन नहीं है, वो ट्रोपोमायोसिन था। ठीक है, तो याद रखो, फिर बाद में मैंने बता दिया था कि वो क्या है, आपका ट्रोपोमायोसिन। चलिए अब देखिए जरा रेगुलेशन, रेगुलेशन कैसे मायोसिन में कैसे रेगुलेशन, या मायोसिन जो है पूरा आपका मोटर प्रोटीन, आप उसको कैसे रेगुलेट करते हैं, तो उसका रेगुलेशन होता है फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। अब ये फॉस्फोराइलेशन कहाँ होगा, फॉस्फोराइलेशन होता है लाइट से। तो ये कुछ डायग्राम देखिए, अभी आपका जो मायोसिन है वो इनएक्टिवेट है, जब ये आपका इनएक्टिव है तो आपको इसको एक्टिव करना है, तो इसको करना रहेगा फॉस्फोराइलेट। जब आप इसको फॉस्फोराइलेट करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर कुछ प्रोटीन की जरूरत होती है जो आपस में मिलके एक्टिवेट होंगे और फर्दर फॉस्फोराइलेट करेंगे आपके मायोसिन के लिए। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर होता है। तो होगा क्या कि सबसे पहले जो प्रोटीन है ये क्या है, आपका कैल्मोडुलिन। तो कैल्मोडुलिन है मतलब कि ये कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा, तब जाके ये एक्टिवेट होगा। तो कैल्शियम ने जो है वो कैल्मोडुलिन को कर दिया एक्टिवेट। जैसे ही आपका कैल्मोडुलिन एक्टिवेट होगा तो ये फर्दर एक्टिवेट करता है MLK को। MLC के क्या है, आपका मायोसिन लाइट चेन काइनेज।
तो सबसे पहले आपका कैल मॉड्यूलेट कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा, एक्टिवेट होगा, जो फर्दर एक्टिवेट करेगा एम एल सी के को। तो एम एल सी के क्या है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। अब जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये पूरा का पूरा क्या करता है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस करता है, एटीपी को एडीपी प्लस पीआई में कन्वर्ट करेगा, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है रेगुलेटरी चेन, जो आपकी लाइट चेन में कौन कौन सी चेन थी, एसेंशियल चेन थी एंड रेगुलेटरी लाइट चेन थी, तो ये जो आपका पीआई है ये रेगुलेटरी लाइट चेन पर जाके बाइंड करेगा, और इस तरीके से आपका जो मायोसिन है वो फॉस्फोराइलेट हो जाता है और एक्टिवेट हो जाता है। अगर मायोसिन अनफॉस्फोराइलेट होगा तो ये कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव होगा तो होगा क्या, ये काम नहीं करेगा। तो इसको जब आपको फॉस्फोराइलेट या एक्टिव फॉर्म में लाना है तो ये इनडायरेक्टली कैसा, कैल्शियम डिपेंडेंट है। अगर आप कैल्शियम को नहीं देंगे, कालमोड्यूलिन जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, फिर आपका एम एल सी के प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी एक्टिवेट नहीं होगा, तो फिर आपका एक्टिन जो मायोसिन है वो भी आपका एक्टिवेट नहीं होगा। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले कैल्मोड्यूलिन एक्टिवेट होगा, फिर एम एल सी के एक्टिवेट होगा, जो क्या करेगा, एम एल सी के ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है ये एटीपी को एडीपी प्लस पीआई में कन्वर्ट करता है, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जिसे एक्टिव कैल्मोड्यूलिन एम एल सी कॉम्प्लेक्स जिसने बनाया है वो आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ अटैच होगा, मायोसिन पे, और इस तरीके से आपका मायोसिन जो है वो एक्टिव हो जाता है। इसी को मैंने यहाँ फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख दिया है। अगर कैल्शियम एब्सेंट है तो बात ही खत्म हो गई। कैसी बात खत्म हो गई, कि ना कैल्शियम होगा ना ही आपका कैल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा, तो इनएक्टिव होगा। नो एक्टिवेशन ऑफ एम एल सी के कॉम्प्लेक्सेस, तो फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। जब फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो मायोसिन इनएक्टिव रहेगा, इनएक्टिव रहेगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। वहीं पर अगर कैल्शियम प्रेजेंट है तो कैल्मोड्यूलिन एक्टिवेट हो जाएगा, बाइंड करेगा एम एल सी से, और फिर आपका एक्टिवेशन हो जाएगा, देन आपका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। जो पी आई है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, वो आपकी रेगुलेटरी लाइट चेन पर जाके अटैच्ड होगा, और फिर फाइनली आपका मायोसिन एक्टिव हो जाएगा एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो जाता है। कुछ दूसरे भी आपके मायोसिन जिन्हें नॉन मसल्स मायोसिन कहा जाता है, जैसे मायोसिन बल, इसके पास एक ही हेड डोमेन था, हमने देखा था स्टार्टिंग में, स्मॉलर होता है कंपेयर टू मायोसिन सेकंड। इसके पास केवल एक ही आपका ग्लोबुलर हेड होता है, तो चेन जो है टेल चेन या शॉर्ट, तो ये टेल जो है वो बहुत शॉर्ट होती है। इसका काम क्या है, ये मूवमेंट्स कराता है एक्टिन फिलामेंट पे एंड ट्रांसपोर्ट करता है कार्गो का सच एज वेसिकल। ये डायग्राम में समझ में आएगा। 12 अदर जो आपके नॉन मसल्स मायोसिन भी होते हैं, लेकिन हमें जो है मैक्सिमम 1/5 एंड सेकंड के लिए करती है। फिर जो आप 50 की बात करें तो यहाँ पर लाइट, काफी सारी लाइट चेन प्रेजेंट थी, 2 हेड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और अगेन ये ट्रांसपोर्ट कराता है कार्गो को कहाँ पे, टूवर्ड्स बार बैंड, मतलब की पॉजिटिव एंड। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव एंड डायरेक्टेड ही होते हैं। तो ये देख लीजिए, ये आपका मायोसिन फर्स्ट है, कुछ नहीं है, सिंगल हेडेड था, इसके टेल रीजन भी बहुत शॉर्ट था, ये बार्ब्ड एंड मतलब कि जो आपका पॉजिटिव एंड है उसकी तरफ मूवमेंट करेगा, और ये आपका पूरा का पूरा वेसिकल से तो मूवमेंट कराएगा। दूसरा, अगर आप मायोसिन 50 की बात करें तो ये काफी वेल डेवलप्ड होता है, जिसके पास 2 हेड डोमेन होते हैं, और बाकी का आपका क्या होता है, लाइट चेन हैवी चेन यहाँ अच्छे से प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी होता है, बस यहाँ का जो टेल रीजन है, अगर आप मायोसिन बल की बात करें तो बहुत शॉर्ट होता है, मायोसिन 5th में काफी लॉन्ग होता है। तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट में इसका लाइट चेन या फिर जो टेल रीजन है वो प्रेजेंट होगा, बाकी का जो आपका हेड रीजन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्टिन की साइड, और अगेन ये पॉजिटिव एंड की तरफ मूवमेंट करेगा। अब देख लीजिए मायोसिन 5th का मूवमेंट, मैंने जैसे आपको बताया था ऑर्गेनल ट्रांसपोर्टेशन में, तो कैसे ऑर्गेनल का ट्रांसपोर्टेशन होगा, जैसे ये क्या है, ईस्ट सेल है, और ये सेल डिवीजन की बात हो रही है। तो जब हम G2 फेज की बात करते हैं तो होता क्या है कि आपका जो ऑर्गेनल होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो जब आपके ऑर्गेनल डुप्लीकेट हो गए होते हैं और साइटोकाइनेसिस के दौरान सेल को सेपरेट होना है, तो ऑब्वियस सी बात है हर एक सेल के पास एक एक ऑर्गेनल होना चाहिए,
तो वो जो ऑर्गेनल का ट्रांसपोर्टेशन है वो अब आपका मायोसिन फिफ्थ ही कराएगा। कैसे? ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट में ये नेगेटिव साइड है, ये आपकी पॉजिटिव साइड है, और देख रहे हैं आप ये मायोसिन फिफ्थ जो है कुछ इस तरीके से ऑर्गेनल के साथ बाइंड करा है, जैसे परोग्लीगोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको प्लस एंड की तरफ लेके आते हैं। वैसे ही अगर आप mRNA की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो ये अगेन प्लस एंड में कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑर्गेनल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होना है, तो एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन कौन सा रहेगा फिफ्थ, ये अपने टेल रीजन से सेल ऑर्गेनल्स को बाइंड करेगा एंड मूवमेंट कराएगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ एक्टिन फिलामेंट। अगेन ये पूरा सेल के अंदर है और ये वाला डायग्राम जो है आपके वेसिकल मूवमेंट के लिए है। तो आप अगर देखेंगे तो ये आपका इनएक्टिव मायोसिन है। ये जो इनएक्टिव मायोसिन है कैसे है, क्योंकि यहाँ पर किया क्या गया है, जो हेड रीजन है और टेल रीजन है उसको फोल्ड कर दिया गया है। क्या किया गया है, फोल्ड कर दिया गया है, क्योंकि मायोसिन को ना हमेशा आप अगर सोचे कि हमें एक्टिवेट रखना है तो जरूरी नहीं है। हम क्यों एक्टिवेट करें, एक्टिवेशन हम इसका तब करेंगे जब हमें जरूरत होगी। तो जब कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो क्या होता है कि इसका जो हेड एंड टेल है उन दोनों को बेंड करके कुछ इस तरीके से प्रॉपर फोल्ड करके रख दिया जाता है। तो एक्टिव फॉर्म में आप देखेंगे कि इसका जो टेल रीजन है वो अलग होगा, हेड रीजन अलग होगा, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में हेड एंड टेल रीजन दोनों को बेंड करके रख दिया जाता है। तो जब भी जरूरत होगी कि वेसिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है, इजीली एक्टिवेशन हो जाएगा, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक्टिवेशन एंड एक्टिवेशन। अब लास्ट कंसेप्ट इसका जरा देख लीजिए, सेल माइग्रेशन में भी एक्टिन जो है तो मायोसिन वो आपका प्रॉपर, या फिर अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो वहां पर जरा सेल माइग्रेशन देख लीजिए कि कैसे साइटोस्केलेटन एक्टिन साइटोस्केलेटन मूवमेंट कराते हैं। तो जैसे हम अमीबा की बात करें, कुछ एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, और आपकी कुछ बाउंड हीलिंग सेल्स होती हैं, तो ये सारी क्या करती हैं, माइग्रेटरी सेल्स होती हैं, माइग्रेट कर लेती हैं। जैसे वाइट ब्लड सेल्स में भी हम मैक्रोफेजेस की बात करें, न्यूट्रोफिल्स की बात करें, तो ये काफी माइग्रेटरी होती है। तो उनमें माइग्रेशन कैसे होता है, देखिए कुछ इस तरीके से माइग्रेशन होता है कि सबसे पहले ये जो सेल माइग्रेशन है, अगर आप अमोइबा की केस में ले लीजिए, तो यहाँ पर है क्या कि आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, दैट इज लैमेलिपोडियम। तो लैमेलिपोडियम तो अब आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिकली क्या है, एक एक्सटेंशन है। तो काफी सारे यहाँ पर लैमेलिपोडियम जो है वो प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से। अब होगा क्या, जैसे डायरेक्शन ये सबस्ट्रेटम होगा और इसका जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है लैमेलिपोडिया का, ये कहलाता है आपका फोकल एडेरन। यही से आपका क्या होता है, एडेरन होता है, जुड़ाव होता है किससे, सबस्ट्रेटम की सरफेस के साथ या जो भी आपका सरफेस एरिया है। अब जैसे मूवमेंट होना है, डायरेक्शन इस तरीके से है कुछ आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो सबसे पहले लैमेलिपोडिया जो है उसका डिटैचमेंट हो जाएगा, उसका एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन कैसे होगा, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लैमेलिपोडिया जो है वो छोटी साइज में है। अब जैसे ही मूवमेंट होना है तो सबसे पहले एक्सटेंशन होगा लैमेलिपोडिया का। जैसे ही उसका एक्सटेंशन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, अब दूसरा काम क्या है कि वो न्यू प्लेस पे एडिशन हो उसका, क्योंकि अब उसका एक्सटेंशन हो गया है, साइज में बढ़ गई है, तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रीवियस प्लेस था उसके ज्यादा प्लेस पे जाके वो फॉरवर्ड प्लेस पे जाके कर लेगी एडिशन। तो पहला है एक्सटेंशन, दूसरा करती है एडिशन, तीसरा जो है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में होता क्या है, जो ये आपका पीछे वाला साइड है, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म जो है वो आपका फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। एंड जैसे ही ट्रांसलोकेशन होगा तो जो आपका ओल्ड एरिया था वो भी डिटैच हो जाता है, जो आपका फ्रंट एरिया है वो भी डिटैच हो जाएगा, पूरा का पूरा सेल जो है वो आपका मूवमेंट करता है। तो ये अगर आप अमीबा की बात करें तो ये बेसिक आपका मूवमेंट है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, सिंपल मूवमेंट है, बस सबसे पहले क्या है, स्टार्टिंग में आपका एक्सटेंशन हो गया, किसका एक्सटेंशन, लैमेलिपोडिया का, और यही लैमेलिपोडिया का एक्सटेंशन किसके थ्रू आया, एक्टिन के थ्रू। फिर इसके बाद एडिशन होगा,
एडिशन होने के बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो आपका ट्रांसलोकेशन साइटोप्लाज्म आपका मूवमेंट करेगा टूवर्ड्स आउटर साइड, और फिर उसके बाद जो आपका ओल्ड एडिशन था वहां पर डी अटैचमेंट हो जाएगा अगेन, और आपकी पूरी की पूरी सेल जो है वो मूवमेंट कर लेती है, वो ही मैंने यहाँ लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख दिया। अब ये कुछ क्वेश्चन है, जरा इनको भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की बात करेंगे। ये कल जब हम डिफरेंसेस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो मेनली रोल प्ले करते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो जो आपके एक्टिन एंड मायोसिन है वो ही आपके माइक्रोफिलामेंट है। अगर आप टिब्यूलिन की बात करें तो ये आपके माइक्रोटिब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट नहीं है। अगेन यहाँ पर भी टिब्यूलिन आ गया, ये काइनेसिन आ गया, तो ये सारे के सारे आपके माइक्रो टिब्यूल के पार्ट है, ना कि माइक्रोफिलामेंट के। लेकिन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग केवल माइक्रोफिलामेंट में होती है, तो इसीलिए इसका जो एग्जाम आंसर है वो क्या होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा इसको देखिए, चलिए क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया है, लेटेस्ट ही क्वेश्चन है। तो क्या पूछा गया है आपसे बाइपोलर फिलामेंट के बारे में। तो बाइपोलर फिलामेंट कौन बनाता है, केवल और केवल आपके मायोसिन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट जो है वो कोई थिक फिलामेंट नहीं बनाता, वो इंडिविजुअल होते हैं। वहीं पर मायोसिन थर्ड और फिफ्थ की बात करें, लेकिन जो सेकंड है केवल और केवल सेकंड आपस में बंडल के फॉर्म में अटैच्ड हो रहे थे, और हेड टेल टाइप में अरेंज हो रहे थे, के दोनों एंड पे मोटर एंड था, और उसी को कहा जाता है बाइपोलर फिलामेंट।